राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक और सेहतमंद होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पास्ते की रेसिपी, जो मैं अपने अंदाज में बनाऊँगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो पहले मैंने थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया है, इसमें पास्ता को डाल देती हूँ। 5 से 7 मिनट के लिए इसे गर्म पानी में मुझे बॉईल करना है। तो नमक 1 चम्मच भी डाल देती हूँ। तो इसे 5 मिनट के लिए, 5 या 7 मिनट के लिए हमें इसे ऐसे ही पानी में बॉईल करना है, और बीच बीच में इसे ऐसे ही चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाता है। तो 5-7 मिनट हो चुका है, तो इसे अब मैं निकाल लेती हूँ। उसके बाद एक कढ़ाई में थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल डाल देती हूँ, कटे हुए प्याज और हरी मिर्च भी डाल के थोड़ी सी सौते कर लेती हूँ, और 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल देती हूँ। तो अब कटे हुए शिमला मिर्च, गाजर और मटर को भी डाल देती हूँ। इसे भी थोड़ी देर के लिए सौते करना है, और कटे हुए टमाटर भी डाल देती हूँ, और अच्छी तरह से इसे बीच बीच में चलाते रहना है। आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी पक चुका है, इसे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। थोड़ी सी कच्ची रहेगी तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये अच्छी तरह से टमाटर भी गल चुका है, तो अब कटे हुए पत्ते गोभी को भी डाल देती हूँ। उसे भी थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। अब उसके बाद स्वाद अनुसार नमक भी थोड़ा डाल देती हूँ, 1 पैकेट पास्ता मसाला भी, थोड़ी सी टमाटर सॉस, चिली सॉस। मुझे सोया सॉस सॉस पसंद नहीं है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, और जो बॉईल किया हुआ पास्ता उसे भी डाल देती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। गैस को धीमी आंच कर लेते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहते हैं। 5 मिनट तक इसे ऐसे ही हमें चलाते रहना है, और लास्ट में धनिया के पत्ते भी उसके ऊपर डाल देते हैं। और मेरा पास्ता तैयार हो चुका है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय एवरीवन।